बोल मानस जी, क्या कहना चाहेंगे जीनियस फिल्म के बारे में? आप उसमें एक सेकेंडरी रोल कर रही हैं, किस तरह का किरदार था आपको बताना चाहेंगे? जी, मैं एक्चुअली एक रॉय जेन का रोल प्ले कर रही हूँ एंड इसमें मैं मर भी जाती हूँ, जिंदा भी हो जाती हूँ, सो इट्स अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट रोल एंड मोस्टली एक्शन है इस मूवी में, सो आप मुझे एक्शन करते हुए देखेंगे। नवाज के साथ आपका सामना हुआ है तो किस तरह का उनके साथ आपका डीलिंग रहा पूरी फिल्म के दौरान, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली जब भी नवाज से सामना होता है वो मुझे गोली मार देते हैं, सो मैं मर जाती हूँ एंड देन उसके बाद वापस आती हूँ। ऑब्वियसली मैंने मूवी देखी है एक बार एंड आई हैव सीन द रफ क्रेडिट, सो आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई लाइक दिस फिल्म। मैं आप लोगों से चाहूँगी आप जाके मूवी देखें और अपने व्यूज़ दें एंड ऑब्वियसली मूवी इज़ गुड, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो एक्चुअली क्या है, एक ब्रिज रत्न अवार्ड फंक्शन हुआ था, मैं आगरा से हूँ, अनिल जी मथुरा से हैं। सो इस फंक्शन में मुझे फैशन कैटेगरी में अवार्ड मिला था, उनको प्रोडक्शन में मिला था। सो तब मुझे पता चला, एक्चुअली उससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अनिल सर जी मथुरा से हैं। सो अवार्ड फंक्शन में सोचा था कि इनकी मूवी जब भी आएगी आई वुड लाइक टू वर्क विद हिम एंड उसके बाद जीनियस का प्लान बना। सो एंड आई वेंट टू मीट हिम, ही लाइक मी, ही टुक कपल ऑफ लुक टेस्ट एंड देन ही डिसाइडेड टू गो विद इट। जी जी बिल्कुल, दे आर वेरी ग्रेट एक्टर्स एंड इट वॉज रियली एन ऑनर टू वर्क विद देम एंड वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। सो हम लोग सेट पे बहुत एक्शन सीन्स थे तो बहुत टाइम लगता है सेटअप लगने में, सो हमारे पास बहुत टाइम होता था, आधा घंटा एक घंटा, सो हम बैठ के हम बातें करते थे एंड ऑब्वियसली ही हैज गिवन लॉट ऑफ टिप्स एंड वी हैड अ ग्रेट आनंद टाइम। जी आई एम डूइंग फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आई कांट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच आई एम डूइंग इज मोस्टली अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, सो या सो मैम थोड़ा सा पीछे तो मैम सर 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 इधर रोक लीजिएगा। अरे हमारा काम नहीं है, हम दूसरे के लिए आए वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, सो आई एम ऑलवेज फैन ऑफ अनिल जी एंड ही इज लॉन्चिंग हिज सन, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द मूवी एंड आई स्पेशली केम टू सी दैट एक्चुअली एंड ही इज कमिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग, काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, सो ऑफकोर्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई सॉ द ट्रेलर, आई सॉ द फ्यू कट्स, एक्चुअली मूवी इज लुकिंग अमेजिंग एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर द I just want to wish them all the best. They both have done an amazing job and they both are like the girl, she's looking so beautiful and they worked very hard for this movie. I know because Genius, it's a very nice concept. It's a very tough concept. Like it's not everyone's cup of tea actually. So they have worked very hard for it and I wish them all the best and I'm sure they're going to rock it. And all the best and welcome to the Bollywood. Thank you. Thank you. Thank you. क्या सिर्फ मेरा सवाल सुनेगा? जी 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 आप करिए। हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे, आपका सॉन्ग है इस फिल्म में जी, कितनी एक्साइटमेंट है, कल फिल्म रिलीज होने वाली है, आज प्रीमियर है, क्या कहना? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी ये फिल्म है, हमारे घर की फिल्म है, अनिल शर्मा जी मेरे ताऊ जी हैं, ही इज़ अ फैमिली, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने गाना भी गाया है वो नखरे बारी है राधिका प्यारी है, क्योंकि वृंदावन की फिल्म है तो मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है, ठाकुर जी का प्रेम है इस फिल्म में और मेरा विश्वास है कि बहुत ज़्यादा हिट होगी जी, तो मेरा विश्वास है। थैंक यू। उनकी बेटी है? अरे यार फ्लैश मेरे आंखों में चुभ रहा है। ए ए सर एक सोलो पिक्चर सर।
मैं बस बेटे की मेरी पहली फिल्म है एंड मेरा एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं, मेरा इमोशन सब समझ सकते हैं। और सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जीनियस और उत्कर्ष को बहुत सारा प्यार दें, नई लड़की इश्ता है उसको भी बहुत सारा प्यार दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिल्म रिलीज़ है कल सुबह, कल सब आएँ और देखें। थैंक यू वेरी मच। यार यहीं इसी वजह से बाइट की टेंशन नहीं है, जिनका दिल करेगा खुद देखे। वेल आई ऑलवेज विश, मैं उनको हमेशा यू नो गुड विशेज हमेशा देती हूँ पूरी शर्मा फैमिली को। दे हैव बीन वेरी वेरी स्पेशल राइट फ्रॉम अनिल शर्मा'स डैड, हिज मॉम, यू नो द होल फैमिली हैज बीन वेरी वेरी वेलकमिंग एंड दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड एंड दे हेल्प्ड मी। They've always praised my work and I've worked with the youngest brother, Kapil Sharma ji and Sanjay Sharma. So I will always wish them the best wishes and of course his son is being launched and I'm very excited to see the film and I hope that we have new stars that are born in the industry. Thank you. बहुत खुशी का मौका है और मैं सब उत्कर्ष की फिल्म है, पहली फिल्म है एंड वी आर ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड आई होप एवरीवन विल लाइक द फिल्म। सबसे यही है कि सब पिक्चर देखें और अप्रिशिएट करें। खड़ी है ना, क्या टेंशन ले रहे। गोरा 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 ये आगे आगे भी है, काला काला सा ये कोई है। अर्चना लो बाइट लो। हाँ तो आना उधर से, हाँ इधर इधर ये नहीं निकालता हूँ इसलिए नहीं लगाऊंगा गाली को। चलिए चलो जी, बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, प्रेस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल हो गया है। एंड सच्ची में अगर हंस सकता तो मैं इतना ज़्यादा हंसता एंड बस यही याचना रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी सबसे कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ जाइए पिक्चर देखने। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, दो जीनियसिस की बहुत ही यूनिक लड़ाई है जो आपने पहले पर्दे पे नहीं देखी हो। कि हमारे फेसेस पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट है, दैट शोज दैट हाउ एक्साइटेड वी आर एंड फाइनली वो दिन आ गया है। तो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड एंड प्लीज गो वॉच इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, आई एम श्योर यू विल लव इट। सो थैंक यू। थैंक यू।
है यार मैम, प्लीज़ इसको पकड़े, मुझे एनआई का फॉर्म निकालना पड़ेगा, दो मिनट के लिए, दो मिनट जल्दी जल्दी। अब इनकी बाइट मत लेना, अल्लाह के बाद जाना। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं शुरू से देख रहा हूँ, मैंने इसके नरेशंस भी सुने थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और उत्कर्ष एक बहुत ही एंथुजियास्टिक बॉय है, तो मेरी गुड विशेज़ हैं एंड लेट्स सी इट शुड रॉक। जैसा कि लग भी रहा है आज हम लोग प्रीमियर देखेंगे तो पता लगेगा, बट इट इज़ गोना रॉक फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि न्यू कमर की फिल्म है, लेकिन जब लोग पिक्चर देखने बैठेंगे तो उत्कर्ष का परफॉर्मेंस देखकर कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये न्यू कमर है। सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को एक बहुत ही गुड लुकिंग के साथ बहुत स्मार्ट और अच्छा एक्टर मिलने वाला है, सो एवरीबॉडी विल एंजॉय। आपने फिल्म में कोरियोग्राफी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म से देखने के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ कि जितने हिट इस संगीत को किया है इस फिल्म के, जाइए थिएटर में, फिल्म भी उतनी अच्छी बनी है, बहुत मेहनत की है, और एज ए न्यू कमर उत्कर्ष और इशिता दोनों ने जान लगा दी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस फिल्म से जुड़ी हुई हूँ, गानों के अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा बैठती थी फिल्म के वक्त काम पर, तो आप सारे ज़रूर जाइए देखिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड न्यू कमर है, तो एवरीबॉडी विल एंजॉय, इट्स अ वेरी जीनियस फिल्म, टू आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू गो एंड सी, बिकॉज ये जीनियस फिल्म है। इसी की अरे यार बधाइयाँ देना चाहती हूँ अनिल जी की फिल्म बहुत दिनों बाद आ रही है, और नवाजुद्दीन मेरे को एक्टर रह चुके हैं उनको भी चेयर करने के लिए आई हूँ, और दो नए कलाकार लॉन्च हो रहे हैं, अनिल जी का बेटा और इशिता चौहान उत्कर्ष शर्मा, ये दोनों लॉन्च हो रहे हैं, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। आई होप इन्होंने अच्छा काम किया, फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगी, ट्रेलर देखे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी और फिल्म देख के बाद ही आगे बस बताएँ। थैंक यू, विदिता है अभी, विदिता है उसकी, नहीं नहीं उसकी, अरे यार बामू साहब बंदूक पास उसमें पिछली डॉल नहीं है। देखिए हम तो उनके बेटे को आशीर्वाद देंगे बहुत, अनिल जी हमारे बहुत अच्छे, हमारे संबंध हैं उनके साथ, और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उनका बेटा है, बेटे ने बहुत मेहनत की है, मैं तब से सुन रहा हूँ, पहले स्कूल में उसने हार्डवर्क किया और यहाँ आके भी फिल्म में बहुत मेहनत की है, तो हमारी ये प्रार्थना है कि फिल्म बहुत अच्छी चले। अनिल जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी। किसी भी प्रोड्यूसर की फिल्म रिलीज होती है तो अंदर ऐसा दुख दुख हो रहा होता है, जस्ट लाइक यू नो इट्स समथिंग हैपनिंग ऑन फ्राइडे, एंड इट्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क एनी प्रोड्यूसर्स। अनिल जी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज़ डन सच अ फैंटास्टिक मूवी इन द पास्ट, तो मैं यही चाहूँगी जैसे गदर हिट हुई, उनकी सारी फिल्में हिट हुई, वैसे जीनियस भी हिट हो जाए, एंड ऑल द बेस्ट टू हिज सन। द प्रोमोज आर लुकिंग वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं आज आई हूँ फिल्म देखने के लिए। Thank you.